लास्ट क्लास में हम लोग ने पेडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस किया था। जिन्होंने भी वो सारे पार्ट नहीं देखे वो देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, प्लस एमसीक्यू हैं, वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। जो बच्चे भी टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन नहीं हुए हैं वो टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ नोट, सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। ऑलरेडी मैंने देखी इसमें के 19 क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया था। आज से हम स्टार्ट करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। है जब लक्ष्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय और साधन जो होते हैं क्या होते हैं, सीमित होते हैं और उनके वैकल्पिक उपयोग हो सकते हैं, और महत्व के आधार पर विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों के बीच क्या है डिफरेंसेस किया जाता है। तो मतलब ये एक डिफिनेशन दी गई है, जैसे एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि जो ये डिफिनेशंस, तो एक एक बार आप लोग डिफिनेशन को ज़रूर देख लें कौन से ऑथर ने कौन सी डिफिनेशन दी गई है। जैसे इसमें हाथ से आप एक पॉइंट उठा सकते हो, इन्होंने भेद की बात की है, लक्ष्यों के भेद की बात किसने की है? प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर रॉबिन्स, प्रोफेसर नीस के इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, रॉबिन्स के द्वारा ये जो स्टेटमेंट कहा गया कि लक्ष्यों के बीच क्या है भेद किया जाता है तथा जो भी मानव व्यवहार है उसका निर्णय का रूप धारण कर लेता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब, देखिए इकोनॉमिक्स में आपको बेसिक्स क्वेश्चन बिल्कुल पूछेंगे, जैसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हो गए, कौन सी डिफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, जो भी टाइप्स कितने होते हैं माइक्रो मैक्रो, प्लस कौन सी बुक लिखी गई जिसमें, यही सारी चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी, जैसे टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब बेसिक्स क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। ये लोग आप लोग पढ़े होंगे टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, कि सीमांत उपयोगिता अपने अधिकतम बिंदु पर होती है, कि सीमांत उपयोगिता औसत उपयोगिता के बराबर होती है, कि लास्ट है औसत उपयोगिता अधिकतम होती है। देखो टोटल यूटिलिटी यहाँ पूछा है, जो टोटल यूटिलिटी है कुल जो उपयोगिता अधिकतम होती है जब हमारा सीमांत उपयोगिता क्या होता है शून्य होता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है जब उपभोक्ता किसी वस्तु की अनेक इकाइयों का उपभोग करता है, ठीक है, जब कंज्यूमर क्या है अनेक इकाइयों का उपयोग करता है, तो उपभोग की जाने वाली जो अंतिम इकाई को हम क्या कहते हैं, लास्ट पूछा है, सीमांत इकाई, उत्पादन इकाई, तुष्टिगत इकाई की अंतिम इकाई, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं सीमांत इकाई। नेक्स्ट है वस्तु, 23 नंबर क्वेश्चन, वस्तु को किसी मात्रा को सीमांत उपयोगिता उसकी कुल उपयोगिता में वृद्धि हो जो कि उपभोग में एक और इकाई के परिणाम स्वरूप होती है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है, मार्शल के द्वारा, बाग के द्वारा, बोल्डिंग के द्वारा, के हिक्स के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैट इज बोल्डिंग के द्वारा दिया गया, ये कहा गया वस्तु की जो भी किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता उसके कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है जब उसमें एक इकाई में क्या होता है होता है, ठीक है। नेक्स्ट है किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपयोग करने में प्रत्येक से जो प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता का योग क्या होता है, धनात्मक उपयोगिता, बी है ऋणात्मक उपयोगिता, सी है कुल उपयोगिता की सीमांत उपयोगिता। तो जब हम किसी वस्तु को एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करने पर प्रत्येक से जो भी प्राप्त होने वाली हमारी सीमांत उपयोगिता उसको योग को हम बोलते हैं कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है, टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट है किसी वस्तु की उत्तोत्तर इकाइयों के उपभोग के परिणाम स्वरूप प्राप्त सीमांत उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता के निम्न कथन किस अर्थशास्त्री का है, मेयर्स का है, मार्शल का है, बोल्डिंग का है, कि हिक्स का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेयर्स का है ऑप्शन नंबर, ये स्टेटमेंट कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञानी विज्ञान पर आधारित जो भी पाठ्यक्रम को हम क्या कहते हैं, पाठ्य वस्तु केंद्रित, बाल केंद्रित, सी है अनुभव केंद्रित, लास्ट है उद्देश्य केंद्रित, तो ऑप्शन नंबर स हो जाएगा, यहाँ पर बाल केंद्रित हम उसे कहते हैं। नेक्स्ट है योजना विधि के प्रवर्तक कौन से हैं, हरपर्ड है, मॉरिसन है, किलपैट्रिक है, जॉन डेवी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, योजना विधि के प्रवर्तक कौन है, तो ऑप्शन हो जाएगा किलपैट्रिक। नेक्स्ट है योजना विधि का प्रयोग कब करते हैं, बालक केंद्रित पाठ्यक्रम में, पाठ्य वस्तु केंद्रित में, एकीकृत पाठ्यक्रम में, कि उद्देश्य केंद्रित में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा एकीकृत पाठ्यक्रम में, ठीक है। बाकी के एमसीक्यू हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।